आज भी आप लोग चक्का जाम किए, न्याय की मांग किए, क्या मांग है आप लोग? हमारी ये मांग है जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते, जितने भी मुजरिम है सबका नाम हमने दिया है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हम मिट्टी नहीं उठाएंगे, ठीक है। और हमें 50 लाख उनके मुआवजा, मेरे भाई को नौकरी, ये हमको चाहिए। अभी तक पुलिस प्रशासन क्या हुआ? कुछ नहीं करी, बस वो यही कह रही है मिट्टी उठा लो, हम सब कुछ करने को तैयार है, मगर हम मिट्टी नहीं उठाएंगे। जब तक आप गिरफ्तार नहीं करवाओगे हम मिट्टी नहीं उठाएंगे। कुछ महिलाएं गई हैं, मगर उनको अपराधियों को लॉकअप में नहीं रखा गया है, महिला डेस्क में रखा गया है, जहाँ पे वो ऑफिस, महिला का ऑफिस होता है उसके अंदर बढ़िया बेड लगा के उन लोगों को सुलाया गया है, 5-स्टार होटल से खाना मंगा के खिलाया गया है, कॉफ़ी पिलाई गई है। हम लोग 5 बजे तक वहाँ पर थे, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके सामने एक रिश्तेदार उनका जसवाल का रहता है, वो लोग वहाँ से निकल रही हैं, वॉशरूम यूज करना हो वहाँ जा रही हैं, सोचिए ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। और तो और हमने खुद अपने आँख से देखा, वहाँ का एक जायसवाल परिवार का वहाँ का एक सदस्य था, उसको मोबाइल दे रहा था, फिर हमारे भैया ने देखा, तुरंत बोला देखो मोबाइल दे रहा है, तुरंत हम लोग वहाँ गए, हमने कहा आप क्यों मोबाइल दे रहे हैं, क्या ये फैसिलिटीज़ है मुजरिम को मोबाइल देना? नहीं है ना, अभी यही कोई आम जनता होती तो क्या ये हेल्प डेस्क में बैठाते? कभी नहीं बैठाते, सब पैसा खाई हुई है एकदम 100% हम आपको बता रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस हम यही चाहते हैं इन सब की गिरफ्तारी हो, तभी हम अपने बच्चे को जलवाएंगे, उसकी मिट्टी जलवाएंगे, वरना 24 घंटे का ये लोगों ने दिया है, 24 घंटे तक हम इसको यहाँ रखेंगे, जब वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तब हम मिट्टी ले जाके उसका क्रियाक्रम कर देंगे। हाँ, मेरा नाम रीना साहू है, मैं रितेश साहू की बहन हूँ। ये दिमाग को इंसान दिया मुझे, जब एक मरा जब इसे बोलना खड़ी नहीं जाती है, टट्टी सब करती है, मगर बच्चा मेरा 2 घंटे तक पड़ा था। नाम वाला कह दीजिए क्या अपन ने नाम वाला हूँ एप्लीकेशन दीजिए, सब नाम पूरा काम नाम है जो सब ये माल है, इन से मारे 10 दिन से दुकान खोल के बेच 14 दिन से दुकान खोल 14 दिन तो बढ़िया भैया हो आप, सुन लीजिए मेरा जब भर जो भी होगा यही फैसला होगा सबके सामने सारी रिकॉर्डिंग से। ये तो जेल जाना है, अब कहाँ कहाँ है तुम लोग, अभी बोल लो तुम्हारा 10 दिन बाद बताएंगे। आपने कहा कुछ भी नहीं, हम लोग जाने के लिए बैठे, जेल जाने के लिए बैठे, कहेंगे कहना कि बस हो जाए तो बता दे तुम लोग, हो जाए कार्रवाई तो आप बता दीजिए। हमारे सदस्य सभी इकट्ठा हुए हैं, रितेश भाई हम लोग के यहाँ पे ऑपरेटर थे, बहुत गरीब परिवार है इनका, और हम शासन प्रशासन से ही चाहते हैं कि जो हमारे ये बगल में उनके पड़ोसी थे जिन्होंने इनकी हत्या की है, उनके खिलाफ़ विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई हो, और पुलिस ने अभी जो है इस केस में बहुत लापरवाही की है, अभी FIR भी कन्वर्ट नहीं करी गई है 302 में, पुरानी FIR ही चल रही है। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे जब इनके ऊपर हमला हुआ था उस टाइम पर भी पुलिस ने लापरवाही करी थी, 4 दिन बाद इनके ऊपर जो है जो FIR हुई थी, लगभग 4 दिन बाद इन्होंने FIR दर्ज करी, और उसके बाद कल जो इन्होंने FIR में जिसको गिरफ्तार किया है उनको भी मेहमान बना के वो लोग थाने में बैठाया गया, उनको कोई अंदर कोई वो नहीं है, कोई जेल में नहीं डाला गया, वो बाहर ही बैठे थाने में। उसके बाद अभी क्या है कि जैसे हम शासन से यही कामना करते हैं, योगी जी की सरकार है, अपराधियों के खिलाफ जैसे और अपराधियों की कार्रवाई होती है, मकान गिराया जाता है,
वैसे इनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। अभिषेक कुमार।